एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग यू गाइस। सो गुड मॉर्निंग, क्योंकि बज रहे सुबह के 8:30। जी हाँ, आज मैं इतनी ज्यादा जल्दी उठ गई और मैंने नहा भी लिया है। और बाय द वे, मेरे फेस की और आंखों के नीचे की स्वेलिंग देख के आप आइडिया लगा लो, मुझे अभी बस 15 मिनट हो रहे हैं उठे हुए यार। सो मैं बस अभी उठी, मैंने ब्रश किया, फटाफट से नहाने घुस गई क्योंकि आज मुझे एट एनी कॉस्ट लेट नहीं करना था। मैं हमेशा लेट करती हूँ और आज मुझे बिल्कुल लेट नहीं करना था, इसलिए मैंने फटाफट से पहले ही नहा लिया। अच्छा, मुझे लेट क्यों नहीं करना था, बिकॉज आज है इनॉग्रेशन मेरे डैड के शॉप की यहाँ। सो डैड ने ओपन करी है न्यू मेडिकल, तो वहीं इनॉग्रेशन है, छोटी सी पूजा है, तो वहीं जाना है सबको। और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, रेडी होके फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, बोल तो दिया रेडी होने जा रही हूँ और अभी तक यही नहीं पता कि मुझे पहनना क्या है। अच्छा, टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फॉर श्योर, किस किस के साथ ऐसा होता है कि जाने से मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ये डिसाइड नहीं होता कि यार क्या पहने क्या नहीं पहने क्या पहने क्या नहीं पहने। रात से मैंने यहाँ कपड़ों का बिल्कुल ढेर निकाल के रखा हुआ था, मम्मा सुबह उठे तो मम्मा ने ये सब ऐसे रख दिया। अभी समझ में नहीं आ रहा पिंक वन पहनूं ग्रीन येलो, किस किस के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैं हमेशा कंफ्यूज रह जाती हूँ कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं और फिर लास्ट में कुछ भी ऐसा पहन के भाग जाती हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि प्रिपेयर करके रखूंगी पर कभी नहीं करके रख पाती। ओके यू गाइस, सो वी आर रेडी और मैंने क्या पहना है मैं वहां पहुंच के आपको दिखाऊंगी। और ये दी उसके हाथ में बहुत सारा सामान है और ये मैं और ये रेडी रेडी हाई करो जल्दी से। ओके सर, अभी हम लोगों को लेट हो रहा है, हम लोग वहां पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं। सो हियर इज अवर मेडिकल अधिकारी मेडिकल स्टोर और यहाँ सब पूछा की तैयारी है। भाई वहाँ फ्लावर्स वगैरह सेट कर रहा है सब कुछ और अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। मौसा जी, इनसे आप मेरे मम्मा के पापा के एनिवर्सरी वाले व्लॉग में मिली लिए थे और मौसी उनसे भी मिली लिए थे। और ये रही शॉप और वो बैठे हैं पंडित जी और पूजा की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। ये है मेरी मम्मा जो कि बहुत बिजी हैं काम में, मैं आपको बाद में मिलवाती हूँ इनसे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे मम्मा पापा के एनिवर्सरी वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो फॉर श्योर जाओ और जरूर से चेक करो। ओके सो पूजा की तैयारी, पंडित जी हाय करो मेरे व्लॉग्स में। ओके ये गाइस मौसा जी मेरे ये इसमें सेट करने में लगे हैं और अब आने वाले अपकमिंग ब्लॉगर होंगे मौसा जी। मौसा जी का कैमरा वैमरा ऑल सेट है, देख लो सब। करो
ये देखो पानी निकालता हुआ जितने अधिकारी प्राइवेट नगर निगम में अगर जरा भी भर्ती हो तो इन्फॉर्म कर दे। ओके यू गाइस, सो पूजा डन, पंडित जी जा चुके हैं और बहुत अच्छी बारिश भी जो कि रुक चुकी है, बहुत चिपचिप वाला मौसम हो गया बिल्कुल। सो सब लोग जा चुके हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत चाय वाय पी के घर निकल लेंगे। और स्वीटी आ गई, स्वीटी से हाय। मेरी मौसी, वो मेरी मासी है और मामी छुप रही है, लेकिन मैं रक्षाबंधन वाले दिन व्लॉग करूंगी तो फॉर श्योर पूरी फैमिली को कैप्चर करूंगी। स्टे ट्यून फॉर दैट, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। बहुत सारे फैमिली व्लॉग्स होंगे, फंक्शन व्लॉग्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप फॉर श्योर इन्जॉय करोगे, बहुत अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है। और एक गुड न्यूज़ भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, एक्चुअली एक नहीं दो तीन गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर किया हुआ हो। और अब अंकल की बारी, अंकल हाय करो। अंकल मेरी वैनिटी की जितने भी लोगों ने तारीफ करी, ऑल क्रेडिट गोज टू अंकल, अंकल ने डिज़ाइन करी है मेरी वैनिटी। ओके यू गाइस, मैं घर आके सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और सो गई थी, और सोते सोते बज गए 7 या शाम के 7 बज गए, और अभी तक राखी वाखी कुछ नहीं आई है। दीदी उसको वैक्सीन की आज सेकेंड डोज लगी है और वो आराम से एकदम फिट विट, मतलब सोई भी नहीं कुछ नहीं, और मैं इतना थक गई बिल्कुल ऐसे ढेर मार के सोई हूँ ना, 7 बजे सोई के उठी हूँ अब। और अभी हम फटाफट से जा रहे हैं राखी लेने, हमने अभी तक ना तो राखी ली है ना तो मिठाई ली, कुछ नहीं लिया है, तो हम राखी लेने जा रहे हैं, मिठाई लेने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चल ही रहे हो ऑफकोर्स, सो चलिए चल के राखी और मिठाई वगैरह सब कुछ ले आते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। राखी, स्वीट्स, चॉकलेट्स जो भी हम लोगों को खरीदनी थी सब कुछ हमने खरीद लिया है। बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा शोर शराबा था कि व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, हाथों में सामान भी फ़ोन भी तो बहुत सब कुछ मैसी हो गया था। सो मैं कैसी कैसी राखी लाई हूँ अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कैसी कैसी राखी ली हो। मेरी स्वीट्स और यहाँ पर कुछ मैंने ऐसी वाली राखी ली है, छोटी बड़ी चौड़ी सारे तरीके की राखी ले ली, क्योंकि किसी का कहना होता है कि उसको पतली राखी बांधनी है, किसी का कहना होता है उसको दिखने वाली राखी बांधनी है, तो मैंने सारे तरीके की ले ली है, और ये स्वीट्स और ये चॉकलेट। ओके सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेस व्लॉग गाइस, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर मेरे व्लॉग को जल्दी से लाइक और नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे दैट की न्यू मेडिकल के लिए। मैं अपना ब्लॉग आज का यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी कल है रक्षाबंधन, मुझे कल सुबह की प्रिपरेशन करनी है, ड्रेस निकाल के रखनी है, इयरिंग्स एंड ऑल सब कुछ निकाल के रखना है। और इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज रात को ही इसको एडिट करके आज रात को अपलोड कर दूँ। आई नो बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, बट फॉर सम मेमरीज मैंने ये ब्लॉग क्रिएट किया, और पता नहीं क्या कर रही हूँ बालों के साथ, बनाया क्योंकि डैड की शॉप का इनोग्रेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल थी हम लोगों के लिए। सो ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और मैंने बताया ही बहुत सारी दो तीन गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और फैमिली व्लॉग्स आप लोगों को बहुत सारे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट रहने वाला है, फंक्शंस ट्रेडिशंस देखने को मिलेगा, ट्रेडिशन देखने को मिलेगा आपको मेरे व्लॉग पर, काफ़ी कुछ मैंने प्लान करके रखा है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय।